मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब। तो आज की जो हमारा ऑनलाइन क्लास का डे है वो क्या है, 12th। तो आज का हमारा और टॉपिक जो है वो क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। आज मैं आपको बताऊंगी असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है मैथ्स में और उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे सम्स को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सम करने से पहले असेंडिंग ऑर्डर के बारे में बताऊंगी। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम। क्या? बढ़ते क्रम, हिंदी में उसको कहते हैं बढ़ते क्रम। तो देखो, जैसे कि हम वन स्टेप पे चढ़ते हैं ना, जैसे हम सीढ़ियों पे जब चढ़ते हैं, छत पे चढ़ना होता है, तो हम पहले फर्स्ट स्टेप पे पैर रखते हैं, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं। ऐसा तो नहीं छलांग मार के सीधा हम 9th स्टेप पे चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता ना। तो क्या करते हैं हम, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, छोटे से बड़े की तरफ ऊंचा जाते हैं। तो इस तरह से हमने असेंडिंग ऑर्डर ऐसे ही होता है, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, जैसे सीढ़ियां उतरते हैं। ओके, अपोजिट होता है, वो हम बाद में करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी फिलहाल हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम स्मॉल से बिगेस्ट की तरफ जाते हैं। ओके, स्मॉल से बिगेस्ट की तरफ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो स्टेटमेंट दे रखी है इसको सॉल्व कैसे करना है, अब मैं आपको ये बताती हूँ। जो हमारा ये सम नंबर है 16, इसका ए पार्ट है। देखिए, हमें क्या करना होता है, जब ऐसे हमें नंबर्स दे रखे होते हैं, मिक्सअप नंबर दे रखे होते हैं, हमें उसको क्या असेंडिंग ऑर्डर में जब राइट करना होता है, तो सबसे पहले हमें यही याद रखना होता है कि हमें उन नंबर्स में से सबसे छोटा स्मॉल नंबर ढूंढना होता है। पहले स्मॉल नंबर लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। इस तरह से क्या असेंडिंग ऑर्डर में राइट करते हैं नंबर्स को। ओके, तो स्टार्ट करें हमारा ये सम। तो देखिए, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखी है, 149, 121, 153, 130 and 185। ये मिक्स दे रखा ना, ऐसा तो नहीं कि हमने काउंटिंग की तरह स्पीक कर दिया कि 121, 122, इस तरह से नहीं दे रखा, बिल्कुल मिक्सअप दे रखा है। कोई कौन सी लाइन का नंबर है, कोई कौन सी लाइन का नंबर है ना। तो हमें क्या करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। और उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसमें से हमें स्मॉल नंबर, सबसे छोटे वाला नंबर को सबसे पहले राइट करना है। ओके, तो सबसे छोटे वाला कौन सा है, 85 नहीं है, 45 ये भी नहीं है, हमें क्या 121 राइट करना है। तो सबसे पहले हम 121, इसके बाद कोमा लगाएंगे। नेक्स्ट, इससे बड़ा क्या है, 153 नहीं है, क्या है, 130 है। उसके बाद इससे बड़ा 149, उसके बाद फिर से कोमा 153, और सबसे बड़ा जो डिजिट जो हमारा है वो क्या है, 100 डिजिट नहीं, सॉरी नंबर 185। इस तरह से ये देखिए, अब हमारा ये असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो चुका है, राइट हो चुका है। इस तरह से आपको करना है, बिल्कुल इजी है ना। अब यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट क्या है, 110, 136, 175, 101 और 192। अब आप लोगों को क्या करना है, इसमें भी सबसे पहले स्मॉल जो नंबर है उसे हमें ढूंढना है। इसमें से सबसे स्मॉल नंबर क्या है, 110 नहीं, 101 है। तो हम सबसे पहले बॉक्स में क्या राइट करेंगे, 101, उसके बाद 110, 136, 175 और फिर 192। इस तरह से आपको ये इसके 5 पार्ट्स दे रखे हैं, ए बी सी डी और ई। आपको क्या करना है, इनको अपनी नोटबुक में ही फिल करना है अच्छे से समझ के। ओके, तो अच्छे से समझ आया ना आप लोगों को, इसको अच्छे से क्लियर करके फिर ही करना है। छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम रहती है, दोबारा से देख के इसको क्लियर करो फिर करो। ओके, थैंक यू।